News 18, India. न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इंडी गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बड़े गठबंधन में बातचीत में वक्त लगता है, कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन अंत में बात बन जाएगी। उन्होंने कांग्रेस में टूट पर भी अपनी राय रखी। पार्टियां आपके अलायंस वाली ही, आप जितना सम्मान दे रहे हैं उतना आपको सम्मान नहीं दे रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब नेगोशिएशंस होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना स्पेस को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और कभी कभी अलायंस में डिस्कशंस में कुछ खट्टी मीठी बातें हो जाती हैं, लेकिन खट्टी ज़्यादा हो रही है। नहीं नहीं, एंड में अच्छे परिणाम आएंगे। हमारी एक अलायंस की घोषणा हो चुकी है, बाकी बहुत जल्द होने वाली है, और लगभग 2 दर्जन पार्टियाँ हमारे अलायंस के अंदर हैं, और मुझे लगता है कि हम सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एनडीए को हराना है। जो इंडिया अलायंस शुरू किया नीतीश जी ने, वो खुद ही चले गए अब तो? अब उनकी अलग, वो तो पहली बार तो गए नहीं है, वो तो लगातार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो बाकी हमारे पार्टनर्स हैं मजबूती के साथ खड़े हैं, और हम सबका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव लक्ष्य है वो है कि यहाँ पर एक इंडिया की सरकार हटाकर इंडिया सरकार बनानी है। और आपके जो साथी, अपने साथी, आपके युवा साथी, आपके साथ जो फोटो में दिखते थे राहुल गांधी के साथ, वो जो छोड़ के चले गए? देखिए, जिसको जाना है वो चला गया, और हर व्यक्ति को ये छूट होती है निर्णय लेने का, किस पार्टी किस विचारधारा में काम करना है। किसी की मजबूरी है, किसी को कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन ये जनता और समय तय करेगा कि उनका निर्णय कितना सही था कितना गलत था। लेकिन सवाल ये है कि अगर भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो 300 पार 400 पार 500 पार कर रहे हैं, तो फिर वो अलग अलग पार्टियों के एक एक नेता को अपने साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई उनको जोड़ने की? सचिन पायलट का ये पूरा इंटरव्यू आप देखिए आज शाम 5 बजे।